नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MSc कृषि प्रवेश परीक्षा 2020 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये पेपर यूपी कॉलेज वाराणसी के एंट्रेंस एग्जाम का है। इस पेपर का पार्ट वन का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 35 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था उनके एक्सप्लेनेशंस के साथ। और आशा करता हूँ कि आप सभी की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 35 के आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि डस अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल और डिसीजन यूनिट सीक्स रीइंफोर्समेंट ऑफ एन इनोवेशन डिसीजन ऑलरेडी हैव बीन मेड और रिवर्स अ प्रीवियस डिसीजन टू अडॉप्ट और रिजेक्ट द इनोवेशन इफ एक्सपोज द कन्फ्लिक्टिंग मैसेज अबाउट द इनोवेशन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कन्फर्मेशन स्टेज। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो क्वेश्चन है कि इफ द अडॉप्टर्स ऑफ एन इनोवेशन आर प्लॉटेड ऑन क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ अडॉप्टर्स व्हाट विल बी द शेप ऑफ कर्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एस शेप्ड कर्व। ठीक है, तो अगर इसके एक्सप्लेनेशन को देखें तो जो अडॉप्शन ऑफ एन इनोवेशन यूजुअली फॉलोज अ नॉर्मल बेल शेप्ड कर्व। अडॉप्शन ऑफ इनोवेशन है कि जब हम उसको प्लॉट करते हैं ओवर टाइम फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, तब वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कहीं ना कहीं फॉलो करता है। आप जानते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है वो बेल शेप्ड होता है ना, सिमेट्रिकल कर्व होता है वो, मेन मीडियन मोड जो है उसका एक ही जगह कंसाइड करता है। पर जब हम इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है अडॉप्टर्स की उसको प्लॉट करते हैं क्यूमुलेटिव नंबर्स के हिसाब से, तब ये एस शेप्ड कर्व बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। इसमें क्या है कि ऑफ द फॉलोइंग विच कैटेगरी हैज़ हाईएस्ट डिग्री ऑफ ओपिनियन लीडरशिप इन मेजॉरिटी ऑफ सोशल सिस्टम्स। तो अर्ली अडॉप्टर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि पीपल इन द अर्ली अडॉप्टर कैटेगरी सीम टू हैव द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ ओपिनियन लीडरशिप इन मोस्ट सोशल सिस्टम्स। क्वेश्चन नंबर 40। ही वुड नॉट वर्क नाइदर साल एट वॉज द प्रिंसिपल ऑफ अकॉर्डिंग टू आंसर शीट जो दी गई थी नीलो खेरी एक्सपेरिमेंट इसका करेक्ट आंसर है। और जब इससे रिलेटेड कुछ मैंने गूगल किया तो मुझे कुछ ये भी मिला कि अकॉर्डिंग टू व्लादिमीर लेनिन ही हु डज नॉट वर्क साल नॉट एट इज अ नेसेसरी प्रिंसिपल अंडर सोशलिज्म द प्रिलिमिनरी फेज ऑफ द इवोल्यूशन टूवर्ड्स कम्युनिस्ट सोसाइटी द फ्रेज अपियर्स इन हिज 1917 वर्क द स्टेट ऑफ रिवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 41। इन एन एयर टाइट ग्रेन स्टोरेज इंसेक्ट्स आर किल्ड व्हेन द ऑक्सीजन लेवल फॉल्स टू अबाउट, करेक्ट आंसर यहाँ होगा 2%। अंडर सच कंडीशन फंगल ग्रोथ में बी इनहिबिटेड एंड व्हेन द ऑक्सीजन लेवल फॉल्स टू 10% इंसेक्ट्स एक्टिविटीज रिड्यूस्ड, उसकी जो एक्टिविटी है इंसेक्ट की वो रिड्यूस हो जाती है जब 10% तक ऑक्सीजन लेवल आ जाता है तो, एंड इंसेक्ट विल डाई इफ सब्जेक्टेड टू लेस देन 2%। और इंसेक्ट जो है मर सकता है कि अगर वो ऑक्सीजन लेवल जो उसका है 2% से कम हो, बट फॉर द पीरियड इन एक्सेस ऑफ 14 डेज, लगभग 14 दिनों तक जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होना चाहिए 2% से। क्वेश्चन नंबर 42। एनी कंडक्ट इन विच वाटर फॉल फ्लोज विथ अ फ्री वाटर सरफेस इज कॉल्ड एन ओपन चैनल। इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा एन ओपन चैनल। बोथ वाटर एंड विंड इरोजन कैन बी कंट्रोल्ड बाई एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन से हम वाटर और विंड इरोजन दोनों तरह के इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44।
पार्शल फ्ल्यूम इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, तो इसका जो यूज करते हैं इरिगेशन वाटर एट फील्ड हेड, फील्ड हेड जो वहां पे वाटर इरिगेशन हम करते हैं उसका फील्ड हेड मेजर करने के लिए जो हम पार्शल फ्ल्यूम का यूज करते हैं। इट इज यूज टू मेजर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इन इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, म्यूनिसिपल सीवर लाइन्स एंड इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंट फ्लोज इन वाटर सेट ट्रीटमेंट प्लांट्स। द पार्शल फ्ल्यूम एक्सिलरेट फ्लो थ्रू अ कंसनट्रेशन ऑफ बोथ द पैरेलल साइड वॉल्स एंड अ ड्रॉप इन द फ्लोर एट द फ्ल्यूम थ्रोट। क्वेश्चन नंबर 45। द वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च, 5 जून को हम लोगों ने अभी सेलिब्रेट किया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। दिन हम सभी ने बहुत सारे पेड़ लगाए, पर पता नहीं आज की डेट में वो पेड़ हरे भरे हैं या फिर सूख गए या उसे बकरियां खा गई। अब हम शायद नहीं देखते होंगे उन पेड़ों को। पेड़ क्यों लगाने नहीं चाहिए, उसका देखभाल भी करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46। ओरिएंटेशन ऑफ द ग्रीन हाउस इज नॉर्मली सुटेबल इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। द लोकेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ग्रीन हाउस शुड अवॉइड फॉलिंग ऑफ शेडो ऑन द एडजेसेंट ग्रीन हाउसेज। टू अवॉइड द शेडिंग इफेक्ट फ्रॉम वन ग्रीन हाउस टू अनदर ग्रीन हाउस, दिस शुड बी ओरिएंटेड ईस्ट टू वेस्ट। तो ईस्ट टू वेस्ट हमें रखना चाहिए। हाउ एवर द विंड डायरेक्शन एंड लेटिट्यूड आर ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड। हमें विंड डायरेक्शन और लेटिट्यूड का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम ग्रीन हाउसेस बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47। द रेशियो ऑफ क्रॉप इवेपो ट्रांसपीरेशन एंड रिफरेंस इवेपो ट्रांसपीरेशन इज कॉल्ड क्रॉप कोफिशियंट। इसे क्रॉप कोफिशियंट कहा जाता है। अगर और देखें तो इन एग्रीकल्चर दिस इज कॉल्ड क्रॉप कोफिशियंट। किसे कहते हैं? द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपीरेशन एंड प्रेसिपिटेशन इज यूज्ड इन इरिगेशन शेड्यूलिंग। एवरेज एनुअल पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपीरेशन इज ऑफन कंपेयर्ड टू एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन पी। द रेशियो ऑफ द टू पी डिवाइडेड बाई पी ई टी इज द एरिडिटी इंडेक्स। यानी पी डिवाइडेड बाई पी ई टी कहीं आपको दिखे तो उसे एरिडिटी इंडेक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। इम्प्लीमेंट यूज टू ब्रेक हार्ड पैन ऑफ सॉयल इज। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो सब सॉइलर है। और अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो देखिए, सब सॉइलर और फ्लैट लिफ्टर इज ए ट्रैक्टर माउंटेड फार्म इम्प्लीमेंटेड यूज फॉर डीप टिलेस, लूजनिंग एंड ब्रेकिंग अप सॉयल एट डेप्थ बिलो द लेवल्स वर्कड बाई मोल्ड बोर्ड प्लग्स, डिस्क हैरो और रोटो टिलर्स। द डिजाइन प्रोवाइड्स डीप टिलेस लूजनिंग सॉयल डीपर देन अ टिलर और प्लग इज कैपेबल ऑफ रीचिंग। और इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि चीजल प्लग जो है इज यूज फॉर ब्रेकिंग हार्ड पैन। हार्ड पैन को जो ब्रेक करने के लिए भी इसका यूज करते हैं चीजल प्लग का भी। एंड फॉर डीप प्लगिंग यानी 60 से 70 सेंटीमीटर तक अगर हमें प्लगिंग करना होता है विथ लेस डिस्टर्बेंस ऑफ द टॉप लेयर्स, इट्स बॉडी इज थिन वाइल रिप्लेसेबल कटिंग एज सो डैट। रिप्लेसेबल कटिंग एज सो एज टू हैव मिनिमम डिस्टर्बेंस ऑफ द टॉप लेयर। तो वो टॉप लेयर्स को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 49। रैप्स बार थ्रेसिंग सिलेंडर और जनरली यूज इन वीड थ्रेसर। वीड थ्रेसर में यूज करते हैं। तो देखिए, रैस्प बार टाइप सिलेंडर, इन दिस टाइप ऑफ सिलेंडर देयर आर स्लॉटेड प्लेट्स विच आर फिटेड ओवर टू द सिलेंडर रिंग्स इन सच अ वे दैट द डायरेक्शन ऑफ स्लॉट ऑफ वन प्लेट इज अपोजिट टू अनदर प्लेट। दिस टाइप ऑफ सिलेंडर इज कॉमनली यूज इन थ्रेसर्स। इसको जो है थ्रेसर्स में यूज करते हैं। और एक प्लेट से जो दूसरे प्लेट का डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है। द आई एच पी ऑफ इंजन इंडिकेटेड ऑन पावर ऑफ पिस्टन। देखिए, आई एच पी यानी कि इंडिकेटेड हॉर्स पावर इज द थ्योरेटिकल पावर ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग इंजन इफ इट इज कम्प्लीटली फ्रिक्शनलेस इन कन्वर्टिंग द एक्सपेंडिंग गैस एनर्जी यानी पिस्टन प्रेशर मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट।
इन द सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 51, लॉन्ग हॉर्नड ग्रास हूपर्स बिलोंग टू फैमिली, तो किस फैमिली से बिलोंग करता है? टेटी गोनिया डेई, गोनी डेई, तो फैमिली इसकी हो गई टेटी गोनी डेई लॉन्ग हॉर्न ग्रास हॉपर की। एनी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 6,000 स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा दैट इंक्लूड द कैटिडिड, मियाडाउ ग्रास हॉपर, कोन हेडेड ग्रास हॉपर एंड सील्ड बैग्ड कैटिडिड। इसके आंसर आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 52 के कि विच वन इज नेशनल इंसेक्ट पेस्ट ऑफ इंडिया। अब अकॉर्डिंग टू आंसर शीट यहाँ पर शायद जो राइट आंसर है वो है स्पोर्ट स्टेप्टेरा लिटूरा, जो है वो अकॉर्डिंग टू आंसर शीट है, पर इसको मैंने गूगल किया, मुझे इसका करेक्ट आंसर नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटा आर डोर्सल स्क्लेराइड्स ऑफ थोरैक्स, सिर्फ क्या कि द नोटम यानी कि जिसको प्लूरल फॉर्म में हम नोटा कहते हैं, सिंगुलर क्या है नोटम, इज द डॉर्सल पोर्शन ऑफ एन इंसेक्ट्स थ्रोसिक्स थ्रोकिक सेगमेंट और द डॉर्सल डॉर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ न्यूडी ब्रांच गैस्ट्रोपॉड्स। द वर्ड नोटम इज ऑलवेज अप्लाइड टू डॉर्सल स्ट्रक्चर्स, इन अदर वर्ड्स स्ट्रक्चर्स that are part of the back of an animal as opposed to being part of the animal ventral surface or underside. Question number 54, Courtney Cousin scale is the best of citrus. Courtney Cousin scale यानी कि लेसरेया परचेजी कैन इन्फेस्ट अ नंबर ऑफ वुडी ऑर्नामेंटल्स एंड सर्टेन क्रॉप्स। कॉमन होस्ट्स इन कैलिफोर्निया आर साइट्रस, पॉपुलस, नैंडिना एंड पिटोस्पोरम। इट्स कॉटनी एज सैक एंड प्रोफ्यूज हनी ड्यू प्रोडक्शन मेक कॉटनी क्यूजन स्केल इजी टू स्पॉट इन द लैंडस्केप। क्वेश्चन नंबर 55, नेम ऑफ द सेल्युलोज ईटर इंसेक्ट, ऑडेंटो टर्मस ओबेसस, इसका करेक्ट आंसर है। और एक्सप्लेनेशन देखें तो टर्माइट यानी कि ऑर्डर आइसोप्टेरा, एनी ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल्युलोज ईटिंग इंसेक्ट द सोशल सिस्टम ऑफ विच शोज रिमार्केबल पैरेलल्स विथ दोज एंड एंट्स एंड बीज, ऑल्दो इट हैज इवॉल्व independently even through termites are not closely related to ants they are sometimes referred to as white ants. Odontotermus obesus is a species of termite, a termite ka species hai in the family termitidae, it is a native to tropical southwestern asia. The termite cultivates a symbiotic fungus in a special chamber in the nest. Now, next question, question number 56. Which one of nocturnal insect? So, correct answer is iska hai Helicobarpa armicra. Nocturnal organisms are those that are active during the night. Common example include most species of moth and many species of mosquitoes. In many cases, the insects find food by sense of smell and often find mates by following pheromone trails. Question number 57. Rhizopartha dominica infest stored commodities. Rice weevil is an insect that infests stored grains, especially rice.
डैमेजिंग स्टेज ऑफ नॉक्टोइड्स। तो इसका अकॉर्डिंग टू आंसर शीट जो करेक्ट आंसर है वो है कैटरपिलर्स। L50 इज ए कंसंट्रेशन ऑफ इंसेक्टीसाइड। ये इंसेक्टीसाइड्स का एक कंसंट्रेशन है LC50। अगर इसको देखें तो लीथल कंसंट्रेशन 50 यानी कि LC50 इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस सस्पेंडेड इन द एयर रिक्वायर्ड टू किल 50% ऑफ अ टेस्ट एनिमल्स ड्यूरिंग अ प्री डिटरमाइंड ऑब्जर्वेशन पीरियड। LC50 वैल्यूज आर फ्रीक्वेंटली यूज एज अ जनरल इंडिकेटर ऑफ अ सब्सटेंस एक्यूट टॉक्सिसिटी। विच वन इज बायो कंट्रोल एजेंट। तो अकॉर्डिंग टू आंसर शीट इसका जो करेक्ट आंसर है कॉम्पोलेट्स फ्लोराइडेई। क्वेश्चन नंबर 61। बैक्टीरियल लीव ब्लाइट ऑफ पैडी कॉज्ड बाई जैंथोमोनास ओराइजी कैन बी आइडेंटिफाइड बाई ओज टेस्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 62 इज प्लांट पैथोजेनिक वायरॉइड्स कंटेन RNA ओनली। वायरॉइड्स आर द स्मॉलेस्ट इन्फेक्टियस पैथोजेंस नोन कंप्राइज्ड स्लोली ऑफ अ शॉर्ट सर्कुलर RNA विदाउट प्रोटीन कोड्स। वायरॉइड्स आर प्लांट पैथोजन विच इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट विथ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट। वायरॉइड जीनोम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज ओनली अबाउट 300 न्यूक्लियोटाइड्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 63। लूज स्मट ऑफ अ वीट इज अ इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर ये एग्जाम्स में देखने को मिलता है। लूज स्मट ऑफ अ बार्ले एंड वीट आर इंटरनली सीड बॉर्न एंड कैरीड एज अ स्मॉल कॉलोनी ऑफ फंगस इन साइड द सीड एम्ब्रियो रेदर देन एज स्पोर्स ऑन द सीड कोट। दीज आर द ओनली इंटरनली सीड बॉर्न स्मट्स दैट अकर इन ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन सीरियल क्रॉप्स कंटामिनेटेड मशीनरी एंड सॉइल डू नॉट ट्रांसमिट दिस डिजीज। डिजीजेस को जो है सॉइल ट्रांसमिट नहीं करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 64। ब्लास्ट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाई मैग्नापोर्थी ग्रीसी ग्राइसी जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ड्रेसलेरा ओराइजी। इससे आपका होता है ब्राउन लीफ ऑफ स्पॉट डिजीज ऑफ राइस। जो आपका ऑप्शन सी है एफिलिस ओराइजी। इससे आपका होता है फंगस है एक तरह का जो कॉज करता है आपका उड बटा डिजीज। और जो ऑप्शन डी है आपका यानी कि राइजोक्टोनिया ओराइजी। इससे आपका सील्थ स्पॉट ऑफ राइस होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कैन बी कंट्रोल्ड बाई स्प्रेइंग। तो क्या स्प्रे करने से करेक्ट आंसर यहाँ पे मैनोजेब है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। द सीवियर ऑफ लाइट ब्लाइट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड विथ प्रोफाइलेटिक स्प्रे ऑफ मैनकोजेब एट 0.25% फॉलोड बाई काइमोक्सेनिल प्लस मैनकोजेब और डाइमेथोमॉर्फ प्लस मैनकोजेब एट 0.3% एट द ऑनसेट ऑफ डिजीज एंड वन मोर स्प्रे ऑफ मैनकोजेब एट 0.25% 7 days आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ सिस्टेमिक फंजीसाइड्स इन वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल के रेफरेंस में एक्सप्लेनेशन मिला था। इसका जो करेक्ट आंसर है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कैन बी कंट्रोल्ड बाय मैनकोजेब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 66। ओरोबैंची स्पीसीज इज एन एग्जांपल ऑफ टोटल रूट पैरासाइट। सम ऑफ द पैरासिटिक प्लांट्स आर रफलेसिया टोटल रूट पैरासाइट कसकट्टा टोटल स्टेम पैरासाइट
विस्कम पार्शियल स्टेम पैरासाइट, लोरेंथस पार्शियल स्टेम पैरासाइट, स्ट्रिगा पार्शियल रूट पैरासाइट, बेलेनोफोरा टोटल रूट पैरासाइट और ओरोबैंची टोटल रूट पैरासाइट एटसेट्रा। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 67। निमेटोड्स पेनिट्रेट्स प्लांट टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ स्टाइलेट। क्वेश्चन नंबर 68। द सेक्सुअल स्पोर ऑफ फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस इज ऊ स्पोर्स ऊ स्पोर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 69। फंजाई बिलोंगिंग टू द ऑर्डर यूरेडिनेल्स आर नोन टू कॉज रस्ट डिजीज। द क्वेश्चन नंबर 70 इज लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाई फाइटोप्लाज्मा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के क्वेश्चंस आपको हम पार्ट 3 में करा देंगे और पार्ट 3 में आपका ये जो पेपर है ये कंप्लीट हो जाएगा। जिन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस हमें नहीं मिले या इससे रिलेटेड कोई और भी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी तो आप प्लीज़ उसे कमेंट करिएगा, जिससे हम सभी लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी लिए वो हेल्पफुल हो, उससे उन्हें कुछ नॉलेज मिले और शायद क्या पता वही क्वेश्चंस आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।